का धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया है। महोदया, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से टेलीफोन कॉल की कीमतों को तय करने के लिए TRAI जैसी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, बिजली का दर तय करने के लिए है, अनाज का की कीमत तय करने के लिए कृषि मूल्य आयोग है, लेकिन छड़, भवन सामग्री जैसे लोहा, उसका सरिया हो गया, एंगल, चैनल आदि, सीमेंट, बालू, जो इस तरह के भवन सामग्रियां हैं, उनकी कीमतें तय करने के लिए देश के अंदर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है। ये जो निर्माण करने वाली कंपनियां हैं, चाहे लोहा बनाने वाली हो या सीमेंट, मनमाने तरीके से इनका भाव तय करती हैं और बढ़ाती हैं, जिससे उपभोक्ताओं का शोषण होता है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से ये मांग करना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का भी ये सपना है कि गरीबों को सस्ता मकान मिले, देश के अंदर गरीबों को सस्ता मकान मुहैया हो, ये हमारे सरकार की एक परिकल्पना और संकल्प भी है। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से ये कहना चाहूँगा कि यह जो भवन सामग्रियाँ हैं, सीमेंट, छड़ और बालू के भी अलग अलग राज्यों में मनमानी कीमत वसूले जा रहे हैं, इनकी कीमतों को तय करने के लिए भी, ताकि गरीबों को, उपभोक्ताओं को उनका शोषण ना हो और एक निर्धारित मूल्य पर सरकार ये तय करे, उनको इन चीज़ों को प्राप्त करने का मौका मिले। श्री मिथुन रेड्डी, ये मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूँ।